हेलो, आप कहाँ हैं? ओ, आज जाना नहीं है क्या? पैक कर रही हूँ। वो तो खेल रही है, खाना पापा के साथ खाऊंगी बोल रही थी। काफी सामान पड़ा है पैक करने के लिए। बेटा वहां जाके खेलो ना, इससे थक चुकी हूँ मैं। चलो जाओ। नहीं, मैं इसको बोल रही थी। अच्छा तो ठीक है, जल्दी आइए। ओके ठीक है। जाओ उधर खेलो। शाजू, ऊपर से गिरा है ना, कोई ढूंढने आएगा। हाँ सही कहा, मालिक साहब से कहना चीजें संभाल कर जी रखें। जी 1,000 का तो होगा ही? नहीं, उससे ज्यादा ही होगा। हमारे बच्चों के नसीब में नहीं लिखा ये। सही है। ओ भाई, गाड़ियां खड़ा करके कहाँ गए? हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। गाड़ी थोड़ा आगे करो ना। बस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। एक बड़ा भालू को लेकर आ रहे थे, क्या हुआ? दोस्त की बच्ची का जन्मदिन था, गिफ्ट देने गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सही कहा। मैंने भी देखा था उसे ऊपर से गिरते हुए। एक पानी का बोतल तो लेता नहीं है, गिफ्ट देने गया था। चुरा नहीं पाया क्या भाई? अरे बस कर, तू ज्यादा डायलॉग मत मार। भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सही है। अरे भाई देख क्या आइटम हमारे लिए। भाई देखना क्या मस्त माल जा रही है। भाई ऐसी हरकतों से ही ना ऑटो वाले बदनाम हो रहे हैं, समझा? क्या बेशर्मी है। सही है। अबे कैसा है ये? उतना अच्छा नहीं है, कल वाला इससे काफी बेहतर था। तेरे को कोई कदर नहीं है। अबे कैसा है ये? क्या अबे, चुप हो जाना। गाने देना, उसका सपना है। भाई अच्छा ये सुन, ये एकदम नया है। हाँ चल सुना। अबे सुनो। क्या है बे? देखो ना पार्किंग में वही कौन है? अरे शाम को हम मिले थे ना, वहां देखी थी ना, वही है। ये कैसा है? अच्छा हाँ, है ना? ठीक है, जरा फोन देना अपना। मेरी फोटो लेना। ये लो। देखो बुरा मत मानना लेकिन बहुत बेकार पोज है। तुम यहाँ आ जाओ, मैं फिर खींच दूंगा। अब खींचो। ओके माल है भाई। ये अच्छी है। चलो सेल्फी लेते। अरे यार इसने देख लिया। हे अरुण। एक्सक्यूज मी। हाय। सी वी आर हैविंग सम गुड टाइम टुगेदर, सो इफ यू डोंट माइंड वो फोटो डिलीट कर दोगे? कौन सी फोटो? अभी जो तुमने लिया। आपकी? तुमने नहीं लिया क्या? भैया मैंने तो आपको देखा ही नहीं। ओ, देखा नहीं, इसलिए मुझे देखकर आते ही तुमने अपना फोन पॉकेट में रखा और पीछे मुड़ गए, है ना? देखो इशू मत बनाओ प्लीज, हम सेल्फी ले रहे थे। हाँ, अरे देख मामला बहुत ही सिंपल है। हा? ये तो कॉमन सेंस है ना, समझ रहे हो ना? तुम वो गैलरी खोलो और फोटो डिलीट करो, बस वही चाहिए मुझे। भाई फोटो लिया ही नहीं तो कैसे डिलीट करें? तू गैलरी खोल ना, तुझसे नहीं हो रहा तो मैं डिलीट कर दूं। गैलरी में क्या डिलीट करना है तुझे? फोटो ली है हमने, ये जानना है तुझे? कॉफी शॉप में तुम ही लोग थे ना, वहां भी फोटो ली थी हमने, और पार्किंग लॉट में भी, वहां भी ली थी। तेरे पीछे पीछे घूमकर हर जगह की फोटो ली थी,
डिलीट करने का मन है तू जाके केस डाल। चल निकलना, निकल यहां से। अरे क्या कर रहे हो? ब्लडी बास्टर्ड्स। ब्लडी बास्टर्ड। ए सुन, अब वीडियो बना। अबे हाँ। क्यों पंगा ले रहे हो यार? चुप रहना बे। देख कर ही पता चल रहा है। भगा के लाया है। तू बनाना। क्या है ये सब यार? तू हटना। ऐसे लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। अरे ये ऐसे ही हैं आजकल के लौंडे। तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो। मुझे क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे पीछे फोटो ले रहे थे वो यार। अरे तेरी तो। अरे 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 रुको रुको रुको। क्या हुआ था? इस तरह की बदतमीजी सही है क्या? अरे इसने फोन तोड़ दिया मेरा। अब तुझे भी तोड़ दूंगा। बस करो। बहन ले जाओ उसे यहाँ से। भैया हमने कुछ नहीं किया, ये लोग हमारे फोटो खींच रहे थे। फोटो खींचने पे फोन तुम चुप हो जाओ। ये बता फोटो लिया तुमने? हमने नहीं ली भाई। सच बताओ तुम इसे लेकर जाओ। ओ अब बहुत शरीफ हो गया तू। थोड़ी देर पहले वहां तू ही तो थर्ड रेट कमेंट मार रहा था क्यों, और अब यहाँ पे सीन कर रहा है तू? सारे एक से एक भरे पड़े हैं यहाँ पर। जाओ बहन चलो। जाओ लोकल लोगों को गाली खिलवा के मजा आया? ऐसा बोला क्या? फोन तो गया। तुम भी जाओ घर। इस लड़की को लेकर सीन कर रहा है ना तू? इसको तो मैं उठा कर ही रहूंगा, वो भी तेरी आंखों के सामने से। hey, तो no. क्या बोला बे? क्या करेगा? उठाएगा इसको? चल जाना। इतना था मैं तेरे में। चल। hey, छोड़ो मुझे। अरुण। hey, hey! अरुण! टीना! टीना! छोड़ो! हे! टीना! टीना! अबे मनु आजा। हाँ आगे भाई आगे। इधर गए? आजा। क्या क्या हुआ? उस लड़की को उठा लिया बे, जल्दी आओ। चलो जल्दी आओ। टीना वहां देखो जरा। तुम अंदर कैसे आ गए यहाँ? सर एक लड़की को उठा लिया सर। कौन सी लड़की? अंदर दौड़ कर आए सर, देखिए ना। हे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। हे वो मिली क्या? नहीं तुम ऊपर चल के देखो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं रुको सुनो, तुम नीचे जाओ। जल्दी जाओ ना। तुम वही रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं बस यूं ही। चलो चलो चलो। कौन है भाई, क्या चाहिए? अरे तू कौन है भाई, क्या चाहिए, अंदर क्यों आया? सलीम भाई से मिलना है क्या? सलीम भाई देखो कौन है। तू यहाँ क्या करने आया बे? ये कौन है पोलिस? सर दूसरे फ्लैट में आ गया, निकलो यहाँ से। बाहर निकलो, फ्लैट के अंदर घुस रहे हो, चल निकल। ओ, 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 रुको मेरा जॉब चला जाएगा, चलो। सर अगली बात तो सुनो, जल्दी निकलो, चलो। अच्छा चलो चलो इधर। हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं सर, वो लोग सब जगह ढूंढ रहे हैं, आप भी जरा मदद कीजिए ना। निकलो। ये सब क्या हो रहा है पुलिसो? सर मैं यही खड़ा था, ये लड़का मुझे धक्का मार के छठी मंजिल तक ले गया, वहाँ से लेकर आ रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम लोग इस फ्लैट में? सब शरीफ लोग रहते हैं। देखिए हम आपका फ्लैट देखने नहीं आए, एक लड़की गुम हो गई, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ क्या हुआ? वो नीचे पूरा पार्किंग एरिया देख लिया मैंने, वहाँ कोई नहीं मिला मुझे। बस हो गया सर, मुझे तो बोलने दीजिए। तुमने ठीक से तो देखा ना? हाँ देख लिया। सुनो यहाँ ढूंढने के लिए काफी लोग हैं, यहाँ कैमरा भी है, हम लोग ढूंढ लेंगे। हाँ ये ठीक, तुम शिबू को बोलो ऊपर जाकर देखे और मुझे रिपोर्ट करे। सर आप जाकर के मैं फुटेज देखता हूँ। सर हम जा रहे हैं, आप लोग देखिए ना प्लीज भाई। सुनो तुम्हारी आंखों के सामने लड़की गायब हुई,
जो करना है अभी करना होगा, बाद में कुछ करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अपना काम है, मैं जा रही हूँ। बस सुनो, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे? फोन दो मुझे। तू टॉयलेट के पास जाकर देख और तुम पुलिस को बुलाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। तुम देख के बताओ। हाँ भाई, देख रहा हूँ। सलीम भाई यहाँ नहीं है क्या? वो तो ऊपर है। इतनी जल्दी ऊपर क्यों? मुझे लगता है कोई गेस्ट आए हुए हैं। ओ हाँ हाँ भाई, कैमरे में कुछ मिला क्या? वो लड़का रो रहा है वहां पे। मैंने तुम्हें बोला था ना बाहर निकलने को, यह मामला मैं संभालता हूँ। हाँ जी, भाई साहब यहाँ कोई नहीं मिलेगा, हमने ढूंढ लिया यहाँ पर। तुम इधर आओ, ये बताओ कि इस फ्लैट में किसी को जानते हो, किसी से कोई इशू वगैरह? भैया हम लोग इस स्ट्रीट में ही पहली बार आए हैं, मैं ये फ्लैट भी पहली बार देख रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। और वो लड़की? हाँ। तुम चिंता मत करो, पुलिस को आने दो, इसके बाद हम लोग अंदर जाकर के आराम से आना होता तो आ जाती, तब तक हम ही लोग ढूंढ लेते हैं ना। भाई सहजू भाई वहां मत देखो, मैंने उधर अच्छे तरीके से देख लिया है, वहां कोई नहीं है। भाई मुझे शक हो रहा है कि वो रास्ता देखा? हाँ। वहां से वो लोग लड़की को लेके आए, यहाँ वो गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, और वो रोड देखा, वहां से बाहर गए होंगे, यही हुआ होगा। भाई हम लोग के आंखों के सामने से ही उस लड़की को इतनी आसानी से उठा लिया, हम तब क्या कर रहे थे? हम उधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही ढूंढते रह गए, है कि नहीं? भाई एक बात माननी पड़ेगी, इन लोगों की प्लानिंग बहुत खतरनाक थी, ये लोग ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो गया तेरा? तू ना ज्यादा पिक्चरें मत देखा कर, और वहां जाके ना ये बक मत दियो, समझा क्या? बकवास करने आ गया, पुलिस को आने दे, तुम आओ। सलीम भाई आपने सुना, नीचे एक लड़की गायब है, उसको इसी फ्लैट में लाया बोल के बिल्डिंग को पूरा घेर लिया ऑटो वालों ने। मैंने सुना वो यहाँ आए थे ढूंढते हुए। वो लोग यहाँ भी आए थे क्या? अरे तो क्या पुलिस वाले और मीडिया वाले भी यहाँ आएंगे? आपके कहने पर मैंने एक दिन के लिए कैमरा सब ऑफ कर दिया, सीसीटीवी कैमरा, ये आप ही का तो प्लान था मुझे बचा लेना। सलीम भाई कुछ भी करने के लिए इतनी सारी लड़कियां हैं, एक को किडनैप करके मैं क्या करूंगा भला? ओ वो मैं नहीं जानता, इस कैमरे से डरे हुए कुछ गेस्ट ऊपर ही हैं, इसलिए ऑफ करने को बोला, वो लोग काम के बाद शाम को जाने वाले हैं, तुम मेरे लिए पहली बार थोड़ी कर रहे हो। देखो लॉरेंस, तुम थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है मैं आता हूँ। हाँ ठीक है लॉरेंस। हाँ हाँ, ईस्टर आ रहा है ना, उससे पहले मैं तुमसे मिलूंगा। हाँ भैया, हाँ मिलेंगे मिलेंगे। तुम जाके आओ। सर्च किया, वहां पूरे शॉप्स वगैरह हैं, पर ऊपर फ्लैट में भी गया लेकिन सिक्योरिटी ने मना कर दिया मुझे। सर अभी रात बहुत हो गई है, थोड़ा जल्दी कीजिए। लड़की अंदर ही है, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं सर कोई गारंटी नहीं है, यहाँ नीचे एक पार्किंग एरिया है, उस तरफ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता है, मुझे लग रहा है उसी तरफ से गए होंगे। सर 10-12 मंजिल का ही तो फ्लैट है, एक बार देख लीजिए ना, सबको तसल्ली हो जाएगी। उधर पार्किंग एरिया की तरफ देखा क्या? नहीं बताओ, कोई और रास्ता नहीं है तो। अच्छा
एसआई की टीम तुरंत पहुंचेगी। ओके तुम लोग यहीं पे होगे ना, यहीं रहना। हाँ हाँ जी सर जी, चलो। ओके सर। हेलो, छोड़ो छोड़ो चल छोड़ो मुझे चलना छोड़ अरे चलना छोड़ो छोड़ो इधर आ। कौन हो तू? चलना छोड़ो अरे चलना छोड़ो चुप चुप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे चल भी छोड़ दो मुझे। आना कौन हो तू? आना अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ छोड़ मेरा बैग क्या है सर? मैंने क्या किया? तू जानता है मैं कौन हूँ? नहीं सर। तू नहीं जानता? हाँ। बोलने दे इसे। अबे बोलना। तेरा नाम क्या है? नेल्सन। नेल्सन। स्कॉच है ना ये? सर वो स्कॉच ही ऑर्डर किया था। तुझे किसने बोला दारू लाने के लिए? वो तू जानता है ना मैं कौन हूँ? जानता है या नहीं? अरे सर वो सर थोड़ा संभल कर रहिए, आपके नाम की सुपारी है। वो बिनोय के लोग हैं। कौन बिनोय? वो मैं नहीं जानता सर। सर आपका एक फोटो दिखा के बोला ये बोतल यहाँ रख के आप इधर हैं या नहीं बताने को, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। पप्पू सर को बुलाओ। लेकिन अभी अभी तो अंदर गए, हुआ तो कुछ नहीं होगा, बुलाऊं क्या? बुलाओ ना। आप बोलेंगे तो बुलाऊंगा। हाँ, तुम यहाँ से बाहर निकल के उस बिनॉय को ही कॉल कर रहे थे? अरे नहीं सर, वो एक नंबर का कमीना है, उसको एक बोतल चाहिए थी, बस यही बात है सर। ओ, तो तू उस कमीने को फोन लगा और फोन लाउडस्पीकर पर डाल, मुझे भी सुनना है। सर हो गया क्या? पप्पू इसको रूम में बंद कर दो। मैं चल उठ, तुझसे तो दारू मंगवा कर रहूंगा मैं। चल चल अबे चल ना। ये सब क्या हो रहा? ये सब ऑर्डर के बिना बोतल लेकर आया था और बाहर भागने लगा था, किसी को फोन लगाया, शक हुआ तो हमने थोड़ा धमका दिया, पता चला कि वो तो हमें जानता है। इसका मतलब है कि किसी को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं। पप्पो अरे बस कर यार, थोड़ा सा हाथ साफ करने दो। तुम उस सलीम को कॉल करो। क्या हुआ बे, कुछ बोला वो? वो एक हरे रंग का कॉन्टेसर एस्टीम और एक ओमनी, सारी गाड़ियों में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम नीचे गए नहीं कि तुम्हारा खेल वहीं पर खत्म। सर चिंता मत कीजिए, ये सुपारी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये वाला तो इसके लिए है। अरे कोई पुराना केस है, आप जाकर रेस्ट कीजिए, जाइए। हाँ तुम टेंशन मत लो। सलीम का नंबर लगा क्या? एक पैक मारे क्या? ठीक है उन्हें देती हूँ। हेलो सलीम कहाँ हो? मैं यहाँ फ्लैट में हूँ। भाई लोग कहाँ? नीचे स्ट्रीट में कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा मैं देख के तुम्हारे पास आता हूँ। ओके कब से इधर खड़े हुए हो? चलो उसको छोड़ के खड़े हो। बोली तो है टूटेगा थोड़ी। दीदी यहाँ से ये सारे फ्लैट्स दिखाई देते हैं ना? कौन सा? हाँ। वो वाला। अच्छा आपने उस लड़की को किडनैप होते हुए देखा है ना? क्या ही बोलू बेटा, पहले तो ये सब पिक्चर में ही दिखते थे, अब देखो मेरी आंखों के सामने ही हुआ सब कुछ। ये जमाना बहुत बुरा है बेटा। क्या जमाना आ गया है, सरकार ने बास बंद करा दिया और दूसरा वेबसाइट्स भी बंद करवा दिया, क्या ही बोले अब। लॉन्डो को कुछ तो एंजॉयमेंट के लिए चाहिए ना। और बताए तब इससे भी बुरा होगा,
दीदी सिगरेट है क्या? हाँ बेटा, कौन सा वाला? धुआं निकलने वाला कोई भी? बेटा अब स्टोव मत दे देना। किंग्स, तुझे तो सब पता, एक काम कर, तू फिल्टर भी दे दे, पी कर ही मरेंगे। ये लो, बाकी बाद में दूंगा। हाँ काली हूँ, ये अच्छी बात है, तभी यहाँ दुकान चला पा रही हूँ मैं। क्यों दीदी, काले रंग से क्या होता है? चॉकलेट भी काला ही होता है, मुझे पसंद है, मैं खाता भी हूँ। आता हूँ। भाई अबे कोई और नहीं थी क्या? भाई बस यही मिली तो। तूने किसी को बोतल देकर ऊपर भेजा था ना, बुला उसको। भाई उसका फोन ही नहीं लग रहा है। बुला उसे, एक बार और लगा फोन। कॉल नहीं लग रहा है भाई, स्विच्ड ऑफ है। ये सुनिए, स्विच ऑफ आ रहा है, वो अब पकड़ा गया है, इसका मतलब वो ऊपर ही है। भाई अगर ऐसा है तो अभी उठाते हैं उसको। अबे तो उनकी साइड है या मेरी साइड है? बाहर से भी कैमरा लगा है, 8वें फ्लोर में बैठा है वो, जाके घुस जाओ फिर पता चलेगा। नहीं वो बोला था ना पूरा एरिया स्कैन करना, किया तूने? किया तो था भाई। यहाँ पर कितने कैमरे हैं? मैंने देखे नहीं है भाई, पता नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है तू? भाई हम लोग बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं ना, काम हो गया हो तो घर चलें क्या? वाह, इतना भी सब्र नहीं है तेरे पास? ऐसे काम में टाइम लगता है, ये हलवा नहीं है हलवा, बिना पेशेंस के लाइफ में कुछ नहीं होता है। भाई मैं सीख तो रहा हूँ। जी तो कर रहा मैं तेरी गर्दन काट डालूं। देखते हैं वो कब तक अंदर रहता है, कभी तो बाहर निकलेगा ना, देख लेंगे साले को। अरे भाई पंगा हो गया पुलिस वाले। कहाँ पर? चल तू अंदर बैठ, सुनील को कॉल करके सारे टूल्स छिपाने के लिए बोल। जल्दी बैठ। हूँ बैठता हूँ भाई, इतना टाइम लगेगा तुझे। ये गाड़ी चला। ओके भाई। भाई पुलिस आ गई। ये अरुण है। सर इसी ने कंट्रोल रूम को फोन किया था, इसके साथ जो लड़की थी उसको वो लड़की तेरी क्या लगती है? मैं उसको जानता तक नहीं हूँ सर, मैं तो यहीं ऑटो स्टैंड से हूँ, नाम है शाइजू। लेकिन तेरा चेहरा ज्यादा उतरा है। मेरे सामने ही हादसा हुआ ना सर। आ जाओ। इसको वहां क्यों ले जा रहा है पता नहीं। सर फॉलो करते हुए भी किसी को नहीं देखा। किसी पे शक? सर बात यह है कि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, किसी को नहीं जानते। सर मैं फैसिलिटी मैनेजर इस बिल्डिंग का। फैसिलिटी मैनेजर मैं। केयरटेकर।
बोलो बोलो। सर इस बिल्डिंग में दो पुलिस ऑफिसर सारे शॉप्स ढूंढ रहे हैं बिजनेस आवर्स में। ओके कोई बात नहीं, लेकिन सर इस फ्लैट में सब शरीफ लोग रहते हैं, ऐसे पूछताछ करने से तकलीफ होगी सर, कुछ रेपुटेशन इशू है। और सर बिल्डिंग में हर जगह कैमरा लगा हुआ है सर, सारा फुटेज देख लिया हमने, कोई अंदर नहीं आया, बाहर से कोई अंदर आ भी नहीं सकता सर, एक्स गार्ड लगाया हुआ है हमने। कैटेगरी जी, ये बाहर के लोगों को रोकने के लिए ही सिक्योरिटी लगा रखा है ना, ठीक है। पीने के बाद अगर कोई अंदर जाकर किसी लड़की की खूबसूरती देखना चाहे तो उसे उठाना ही पड़ेगा ना। सर वैसे लोग यहाँ नहीं है, यहाँ सब लोग शरीफ है सर। हाँ हाँ, हमें शराफत की कहानी सब मालूम है, केयरटेकर हो केयरटेकर का काम करो, हम अपना काम करेंगे। सर आप थोड़ा देखिए। केयरटेकर जी चलता हूँ सर। तुम बताओ। सर मैं यहीं पर था। बकवास मत करो पॉल, तू बाहर घूमने गया होगा। नहीं सर, मैं जानता हूँ ये रेजिडेंस का ही लिफ्ट है। और फिर भी वो लड़का मेरे घर तक आ गया। देखो पॉल, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और बिना पूछे किसी को ऊपर नहीं भेजना, ठीक है। सलीम भाई, सलीम भाई नीचे पुलिस आई है, सबको पकड़कर क्वेश्चन कर रही है। मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है, बोल दिया पुलिस पूछेगी तो मैं फंस जाऊंगा। सलीम भाई आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना। सीसीटीवी फुटेज तुमने उसे बोल दिया कि मैंने देख लिया? हाँ मैंने बोल दिया। उसने तुमसे कुछ पूछा क्या? पूछा तो नहीं। अरे बेवकूफ, फिर क्यों जाके बका? अगर वो पूछता तो कह देता हार्ड डिस्क उड़ गया, कैमरा ठीक नहीं है, कुछ तो बोलता। जाके अपना काम कर, मेरा पीछा करना बंद कर, चल। क्या है यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? सलीम ने तो कहा था कि तुम काफी हॉट हो। सर आपके इंटरेस्ट के बारे में सलीम भाई ने कल बताया। सलीम भाई कुछ भी करे उसमें कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो होगा ही, ये दो इंटरेस्ट काफी नहीं है क्या? तुम लड़कियां भी ना, कुछ लड़कियां यहाँ पे शरीर के साथ साथ अपना दिल भी दे देती हैं, फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई मामला नहीं है ना। हेलो, वो कहाँ है? अंदर है। बुलाओ जरा। ठीक है। क्या है ये सब? क्या हुआ? कोई गुंडा तुम्हारे इंतजार में नीचे खड़ा हुआ है। मैंने सुना। मैंने सोचा तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा। अरे सलीम भाई, सर ने सारा केस खत्म कर दिया, इसीलिए तो उन्होंने सुपारी निकाली। वो भी सही है। अरे सलीम भाई। हाँ। क्या हुआ, नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसको ढूंढते ढूंढते कुछ गुंडे नीचे हैं, लेकिन इशू वो नहीं है, एक लड़की मिसिंग है, ये बोल के पूरी पुलिस नीचे टहल रही है। पुलिस आ गई मतलब मीडिया भी आएगी, बोलने के लिए एक्स मैन है, लेकिन तुम्हारा चेहरा कैमरे में सबसे पहले लोग पहचानेंगे। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मुझे जाना चाहिए? यही ठीक रहेगा। तुम इधर आओ। अरे वो मोबाइल देना। हाँ तो देखो, वो मेरा ही आदमी है, लेकिन आज यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसकी सरदर्दी मेरी नहीं। हमारे प्लान के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की डील है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ। किसी भी हाल में आज वो पैसा चला जाना चाहिए। सलीम भाई तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। तुम आराम से जाओ, मैं सब देख लूंगा। चलो। सुनो, मैं निकल रहा हूँ, बाकी सारा मामला सलीम देखेगा। ओके ठीक है भाई। ठीक है बेटी, तुम निकलो। अरे ये क्या बात हुई सलीम भाई, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकता और मैं यहां अकेला हूं। फिर तो पप्पू चलो। इसे नीचे रख। ठीक है। पूरी खत्म मत कर देना। सलीम भाई, मुझे उस लड़की को उठाते हुए इस फ्लैट की एक औरत ने देख लिया, मैंने थोड़ा धमकाया उसे। कोई परेशानी तो नहीं है ना? इसी फ्लैट की थी ना? हाँ। कोई नहीं, हमारे लोग ही हैं। हैं? वो भी आपके लोग हैं? उसके घर वालों ने हमारे बैंक से कुछ पैसे लोन लिए हैं, मैंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। अरे मतलब फ्री है क्या? तूने उस लड़की को देखा? हाँ देखा तो। कैसी है? माल है भाई। उसके पति को मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया है पैसे वापस करने को, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये लड़की यहीं रहेगी।
क्या बात है, अगर वो पैसे लाया भी तो हम नहीं लेंगे। वो सब मैं कर लूंगा, तू एक काम कर, नीचे जाके देख, अगर पुलिस अंदर आई तो तुरंत मुझे कॉल करके बताना, मैं फ्लैट में ही हूँ। पुलिस नहीं आई तो खुद जाके मत बुला लाना। हाँ हाँ ठीक है। पता किया वहाँ फ्लैट तक जाने के लिए लॉबी है और राइट साइड में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और लॉबी से एक लिफ्ट ऊपर को जाता है। नीचे दोनों फ्लोर में शॉप्स है, उन दुकानों के लोगों से बात करने पर वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। लॉबी में जाके पता कर लिया सर, लॉबी में एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। उस बिल्डिंग में कुल मिला के 12 फ्लोर्स हैं और कुछ ऑक्यूपाइड हैं और कुछ अनऑक्यूपाइड। अंडरग्राउंड जाने के लिए वहाँ पे एक स्टेयरकेस भी है, वो सीधा नीचे पार्किंग एरिया में जाता है और उसका एग्जिट बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड में है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, दोनों जाके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सीख के आ गए। सर ये तो मैंने पहले ही बोला था आपको। क्या बोला? नहीं सर, वो लड़की को उठा के कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थोड़ी जाएगा। सुनो। हाँ सर। तुमने बोला दो लोग ही हैं। हाँ सर, दो ही लोग थे। इतना बॉडी शॉडी बनाया है फिर भी उसको रोक नहीं पाया क्या है? इन ऑटो वालों के साथ उसको रोक नहीं पाए तुम? नहीं सर, जब तक मैं दौड़ के गया वो लोग। सर ये तो था ही नहीं वहाँ, ये तो उन लौंडों को मारने गया था। किन लौंडों को? सर उस लड़की का नंबर, तुम वो नंबर दो ना, टावर लोकेट करते हैं सर। हाँ सही है। टीना का नंबर? अरे नंबर दे दो। अरे नंबर दो ना सर, एक्चुअली टीना का फोन मेरे पास ही है। क्या? यस सर। सर ये तो फ्रॉड लग रहा है सर। अरे तुमने उस लड़की का फोन अपने पॉकेट में क्यों रखा है? सर हम लोग फोटोज ले रहे थे और उस समय टीना का फोन मेरे पास था। ये उस लड़की के साथ ये दोनों लोग गली गली घूम के सेल्फी ले रहे थे और उन लौंडों से झगड़ा हो गया। तू अब कोई नई कहानी बना रहा है क्या? हा? सच में क्या ऐसा कुछ भी हुआ था? सर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मतलब इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, अब वो तू डिसाइड करेगा है? नहीं सर, बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस यहीं के लोकल लड़के थे। जी हुजूर, उसका फैसला हम करेंगे, बड़ा इशू है कि नहीं? सर प्लीज सर। सर 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 सर। क्या है? मैं उन लड़कों को जानती हूँ सर, वो मेरे दुकान के आगे गाड़ी पार्क करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा नाम क्या है तेरा? मल्लिका। मल्लिका मल्लिका निकलो, जरूरत हो तो बुला लूंगा। क्या ये बेकार का खाकी पहनने से क्या होगा, दोनों में से कम एक को तो पकड़ो। सर अरुण। जी सर। उस लड़की को किडनैप करते वक्त तुम साथ नहीं थे है ना, और फिर तुम्हारी वो पहली वाली कहानी में उन लड़कों के साथ हुई लड़ाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है, है कि नहीं? सर वो तो हाँ, तो अब तुम जो कुछ हुआ सच सच बताओ शुरू से। ओके ऑलराइट। तुम्हें हिंदी नहीं आती है क्या? आती है ना सर, बिल्कुल। तो फिर हिंदी में बोलो। ओके सर, हम लोग शॉपिंग मॉल के एग्जिट से बाहर आ रहे थे, फिर वहाँ से एक वैन आई और उसमें दो लोग बैठे थे, वो लोग टीना को अंदर खींच के ले गए। मैंने उस वैन को चेज किया बट मैं ठीक से देख नहीं पाया और उसके बाद से टीना मिसिंग है, तो एक्चुअली यही सब हुआ यहाँ पर। कहानी बढ़िया है। तुम और वो लड़की प्यार करते थे? हाँ, कॉलेज के रास्ते में तुम उसको यहाँ लेके आके घूम रहे थे और सेल्फी ले रहे थे, और फिर उन लौंडों के साथ मारपीट हुआ, उसको अकेला छोड़ दिया, प्लान के हिसाब से उन लोगों ने लड़की को उठा लिया, यही सच है ना? सर ये कोई प्लान किडनैपिंग नहीं है सर। तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो, उस लड़की को उठाए कि नहीं, ये सच है कि नहीं? जी सर। सच है। बहुत देर से देख रही हूँ, क्या हो गया आपको? नीचे पूरा पुलिस है,
वो सब वो लोग संभाल लेंगे, आप आके खाना खाइए। तुम ही तो बोल रही थी दूसरे फ्लैट में कोई आया है और तुमने किसी को देखा भी है, जाके पुलिस को बता दो। बोल के गलती कर दी मैंने, अब उसे ही पकड़ के मत बैठ जाओ, ठीक से बैठो। अरे क्यों डांट रही हो उसको, तुम ही रहो। पापा हम लोग आज बैंगलोर जा रहे हैं क्या? बिल्कुल। पापा तो बोल रहे थे हम जाएंगे, पैकिंग भी हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा क्या? कैसे विश्वास करूं? ये पहली बार नहीं बोल रहे ना आप। पापा क्या हम अपने पुराने घर ही जा रहे हैं? बेबी को वहीं जाना है। डन। अबे इसमें उस लड़की का फोटो है। सर टी शर्ट छोड़ो ना, खराब हो जाएगी। चुप्पे अपनी चिंता कर। सर सर यही है वो सारे लड़के। आगे चल साले। अबे ओ जरा खोल इसे। सर ये एक्चुअली पैटर्न लॉक है, सिर्फ टीना ही इसको अनलॉक कर सकती है। क्या है ये? सर इस फोन में लड़की की फोटो है लेकिन लॉक्ड है। अरे सर लेडीज पैटर्न है क्या? मुझे दीजिए ना, गेस कर लेता हूँ, आसानी होगा। चुप हो जाना बेटा, इधर आओ। आओ ना, बोलो कहाँ है लड़की? कौन सी लड़की? गेस करके बताओ ना। सर सर इसको छोड़ दीजिए ना। सर हम कुछ भी नहीं जानते सर, ये और वो लड़की साथ में घूम रहे थे सर, और एक फोटो के लिए ये सब कुछ हुआ। और तो और फोन तोड़ दिया सर, दिखाना सर को। तब गुस्से में बोला सर मैंने कि उठा लूंगा और कुछ नहीं। उठाएगा बोला? यही उठाएगा सर। सर बस गुस्से में बोल दिया और कुछ नहीं। उठाएगा बोला? तू कौन है? किडनैपिंग गैंग का हैकर। हम उठाएंगे सर। कहाँ है लड़की बताओ। मुझे कैसे पता होगा सर? जीप में बिठाओ इसको। अबे तेरी बारी है, अब तू आ जा। मैं कुछ नहीं जानता सर। क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम। जितना जानते हो वही काफी है। बोलो साले, सर, बोलो। बोलो सर। अच्छा ये फोन सिर्फ वही खोल सकती है? इतने देर से क्या कर रहे हो यार? सर एक्चुअली इसमें एक पैटर्न लॉक लगा हुआ है। क्या? ये एक पैटर्न लॉक है, 5-6 बार खोलने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। अब 60 सेकंड बाद ही ट्राई कर सकते हैं। अच्छा तुम्हारे फोन में ये सब है क्या? बिल्कुल है। तुम्हारा तो एक पुराना सैमसंग वाला है ना, ये मेरे जीजू लाए थे, आईफोन है, इसमें ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा मैंने भी तो डाला है अपने वाले में। बढ़िया, मतलब इसमें लॉक कर दिया तो जो चीजें इसमें हैं वो बीवी बच्चे नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सर। ये तो कमाल है। अरे सुनो इसको जरा लॉक करके दो। अरे एक बार करके दो यार। सर दो कमीनों ने एक लड़की को उठा लिया और इस बात को काफी टाइम हो गया सर, और आप लोग यहाँ पर खड़े होकर के फालतू की बातें किए चले जा रहे हैं। जरा पता लगाइए ना सर, कोई मुश्किल में है सर? हाँ पता करते हैं ना। आ जाओ, आओ चलो हम लोग जाके ढूंढते हैं। मैं तुम लोगों की यहाँ बात सुनने आया हूँ ना, और इसलिए सरकार मुझे तनख्वाह देती है, हैं? वहां जाके खड़े हो जाओ। सुनो इसका नाम और पता लिख लेना, बाप का नाम भी लिख लेना। आ, इधर है जली। सही लिखवा रहा है कि नहीं देखो, जब उठाकर गया तब कहाँ थी तेरी दिलेरी? अब पुलिस को काम सिखाएगा। लड़की को उठाते वक्त जो भी यहाँ थे किसी को भी जाने मत देना, इनको जेब में बिठाओ, सबका नाम और एड्रेस लिख लेना, सिखाएगा। तो फिर तू क्या कह रहा था? ए, घूर मत। ए, अब तेरी आरती उतारो क्या? वहां जाके खड़ो जा। सर सैजू भाई तो है ना, मैं क्यों? अच्छा? चल चल इसको उठा। हेलो सलीम भाई। हाँ बोल। यहाँ पुलिस वाले सबका फोन नंबर एड्रेस सब लिखवा रहे हैं, दे दूं क्या? क्या करूं? तू एक काम कर। हाँ। तू वहीं पर ठहर। मैं क्यों? ये कहां तक जाएगा देखता रहे। लेकिन यहाँ तो और कहाँ? नहीं सलीम भाई, लड़की को किसने उठाया होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फालतू मत बोल, पुलिस का काम मत कर। हाँ। जो कहा गया उतना ही काम कर। नहीं पुलिस उसी तरफ आ गई तो अब काट दिया। सर ये बिनोय है ना, मद्रास में हमारे डोरा का आदमी था। इन लोगों की आपसी लड़ाई के कारण डोरा अंदर गया, बिनोय को वो जगह छोड़ना पड़ा, बिनोय वहाँ से भाग गया, फिर यहाँ के लोगों को जोड़ के थोड़ा सेटअप कर रहा है। ये उनका पहला काम है बिनोय का। ये काम बिनोय को किसने दिया नेल्सन? सर ये उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो मुझे क्यों बताएगा। मेरा तो बस वहाँ दारू सप्लाई करने का काम है, बस इतना ही सब करता हूँ सर। तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन उसकी पूरी हिस्ट्री तूने बता दी। अरे बस सर मेरे मामा का बेटा उसके साथ है। अच्छा। उसके मुंह से थोड़ा बहुत सुन लिया था सर उसके बारे में। हाँ
सर मुझे छोड़ दोगे तो मैं उसे लेके निकल जाऊंगा सर, ये सब हमारे बस की बात नहीं सर। छोड़ देंगे तुझे, अभी थोड़ा पी तो ले, जल्दी करिए ना सर। हाँ, सलीम भाई। हाँ आओ। उसने मुंह खोला? वो बहुत सारी कहानियां बना रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो कोटेशन टीम अभी भी वही है, ये बिनोय के बारे में मैंने पता कर लिया है। ये नुकसान कौन से रूट से आया है ये समझ में नहीं आ रहा। वो सब मेरा पर्सनल मामला है भाई, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो आज यहाँ क्यों आया ये भूल मत जाना, वो पुलिस गुंडे सबके जाने के बाद ही हमारा काम होगा। क्या है सलीम भाई, मुझे डील दी गई है तो करके ही आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। और फिर उन गुंडों का मामला हमें कैसे हैंडल करना है मुझे पता है, लेकिन पुलिस को वो सलीम भाई आपको संभालना पड़ेगा। पुलिस के इशू में मैं क्या कर सकता हूँ देखा जाएगा। हाँ अच्छा तुम यही रहना, अगर पुलिस ऊपर आए तो फैमिली जैसे नाटक कर देना, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं मैं उन्हें देखता हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ। ओके सलीम भाई। तुम इधर आओ। इधर आके बैठो ना। अपना मोबाइल नीचे रख दो। एक पैक बनाओ। ये पहली बार थोड़ी है। थोड़ा और। अब हाथ में देने कोई और आएगा क्या? वो मोबाइल वहीं वापस रख दो। सीधे बैठो। थोड़ा देखने दो यार। हाइट थोड़ी कम है फिर भी दिखने में ठीक ही हो। तुम्हें वो लाइट दिख रही है? वहां जाके खड़े हो जाओ। ये सब क्या है? मुझे देखने तो दो। अरे जाओ यार। सलीम भाई आपकी मदद से शादी हुई, अब इसका मैरिज एनिवर्सरी में पूरा टाइम यही करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी की खुशी यही सब तो है। सही है, 100 में 250 को दान कर देना बोला गया कुरान में, लेकिन अगर आप बेहिसाब देंगे तो अल्लाह भी बेहिसाब देगा। ये सब बोल के हमें शर्मिंदा ना करो, दाएं हाथ करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और इस सब के बारे में मेरी बीवी जमीला को भी पता नहीं चलना चाहिए। वैसे ही होगा भाई। माशाल्लाह बिरयानी रेडी हो गई है, आप बोले तो लगा दूं। हाँ कितने देर से एड्रेस पूछ रहा हूँ, एड्रेस बता बे। क्या है सर, पहले उस लड़की को जाकर ढूंढिए, काम खत्म करके मैं खुद ही एड्रेस दे दूंगी। सर का वो ऑर्डर नहीं मिला। दे रही हो ना सर, आप चलिए ना। जल्दी कर। दे रही हो ना सर। ओ बेटा तुम बस उस लड़की का नाम ही जानते हो क्या? क्या नाम बताया था तुमने? टीना। टीना। उसका एड्रेस पता नहीं? नहीं सर। वो तुम्हारी बहन नहीं है, लवर नहीं है, कजिन नहीं है, फिर तेरी कौन है वो? अरे सर आजकल सुबह सुबह फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजते हैं ये, लंच पर मिलते हैं दोनों, रात का तो पूछे ही मत सर।
अब इनके बीच में पासपोर्ट, आधार और लाइसेंस का कहाँ टाइम है इनके पास? अरे सर, मैं कितना टाइम से हूँ आपके साथ, आप मेरा एड्रेस जानते हैं? हाँ, वो भी सही है। लेकिन तुम उसका चेहरा देखो, कुछ तो गड़बड़ है क्या? कुछ तो है सर। अरे अगर वो लड़की इसकी कोई नहीं लगती तो यहाँ दुखी होके ये क्यों घूम रहा सर, है, है? वो लड़की कोई पराई नहीं है, मेरी फ्रेंड है वो। मैं एक बात पूछूं सर, एक लड़का और लड़की अगर रोड पर चल रहे हैं तो कौन सा कानून टूट गया, बताइए जरा। क्या तुम ही बता दो उसको। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग जाके ये फ्लैट्स क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? ये कार पार्किंग और शॉपिंग मॉल वगैरह में हमने बहुत ढूंढ लिया सर, अगर सिक्योरिटी वाला नहीं रोकता तो हम अंदर जाकर भी देखते। तुम सही बोल रहे हो, न्याय भी यही कहता है। तुम एक काम करो, तुम एक स्टेटमेंट लिखा दो, उस लड़की को उस फ्लैट में ले जाते हुए तुमने देखा बोल के एक स्टेटमेंट लिखा दो, हम अंदर सर्च कर लेंगे। इन सब के लिए एक प्रोसीजर है, तुम कर पाओगे? एक पेपर और पेन दे दो उसको। लिखेगा क्या भाई, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो ना, तुम उस फ्लैट में जाओ, वहां जाके देखो कितने फैमिलीज रहती हैं, कितने फ्लैट खाली पड़े हैं, कितने फ्लैट्स में बैचलर्स हैं, सब गिनो। किसी को भी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है सर? तुम इधर आओ, आओ। ये बताओ, हम पुलिस डिपार्टमेंट वाले गाड़ी में पेट्रोल डाल के यहां इंतजार तेरे लिए ही कर रहे हैं, ठीक है? मुझे अपने बड़े भाई जैसा ही समझो, सच बताओ वो लड़की कौन है तेरी? सर तब से आप यही पूछे जा रहे हो, उसके अलावा आपने कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। उस हरामजादे को वहां पर बिठाओ। इधर आ साले, चल बैठ। सत्तर डोसा, ये क्या हिसाब हुआ? हमने 69 डोसा खाए, और नहीं तो क्या? हम तो गिन रहे थे, खाते वक्त गिना नहीं क्या? सुनिए,
अपुन ना दीदी बहुत बेकार इंसान है, बहुत बड़ा हरामी है, और अगर मैं अपनी पर आ गया तो मैं 2 रुपए लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। समझ में आ गया? सुनो बेटा, इसे 2 रुपए दे दो। लाओ 2 मेरे पैसे। एक काम कर, ये पैसा तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। एक काम कर, दीदी को फेयर एंड लवली दिला दे, गोरी हो जाएगी, अच्छी लगने लगेगी। और क्या भैया बकवास कर रहे हो, तो टिप दे देते हैं यार। भैया आप क्या बोले जा रहे हो, बार में हमने किसको टिप दिया? वेटर को? ये तो मालकिन है, मालकिन को टिप देते हैं क्या? ये तो इतनी लालची निकली, कमी नहीं कहेंगे। हमसे प्यार से बात करें तो हम 10 के 100 फेंक देते हैं। इसे देखो 2 रुपए के लिए मर रही है। मामला बहुत बिगड़ गया ना? हाँ बिगड़ तो गया। भाई मैं एक आइडिया दूं, तुम यहां से निकल लो। अगर पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ लिया और ये केस सुलझ गया ना, तो भी फंस जाओगे तुम, क्योंकि मामला लड़की का है। देखो भैया, आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते, सो प्लीज लीव मी अलोन। अरे अबे अंग्रेज, तुझे बचाने का रास्ता बता रहा था मैं, मुझे क्या, तेरी मर्जी। भैया आप जाइए प्लीज, कहीं और जाके बैठिए प्लीज। उस तरफ जाकर बैठो? अच्छा जी। लड़की को बस घुमा ही पाए, उसके बाद तो कोई और ले गया होगा, कुछ हुआ नहीं होगा। अरे साले कमीने, तो मुझसे पंगा लेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बोल साले, मार मार के भरता बना दूंगा तेरा। अरे उदास बैठा हुआ था, इसका दिल बहलाने के लिए आ गया था मैं। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाय साला कमीना कहीं का, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप बस देखते रहो, बैठो इधर। अब हम मंदिर जाके देख कर आए क्या? ये पुलिस वाला क्या कर रहा है वहां? बस बैठ के गप्पे मार रहा है केस सॉल्व करने की जगह। अरुण एक बात तो माननी ही पड़ेगी, सर के उतनी बार पूछने के बाद भी तुमने एड्रेस नहीं बताया। अगर तुम बता देते, सर अब तक लोकल स्टेशन में कॉल कर देते, वो उसके घर जाते, सबको खबर हो जाती, उसकी बहुत बेइज्जती होती। सर को ऊपर से कॉल आ गई है। अरे सर आप ऐसे बोल रहे हैं? वो मेरे साथ ही आई थी ना, उसकी हालत सोच के मैं अब भी। इस फ्लैट में कोई बड़ा आदमी है, वही होगा जो सर को प्रेशर दे रहा है। सर अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तुम शांत हो जाओ, कुछ करेंगे। तुम पुराने कमिश्नर जगमोहन सर को जानते हो? मैं उनका ड्राइवर था कुछ समय तक। कोई तो रास्ता होगा, मैं कोशिश करके देखता हूं। अंदर चलने को इसलिए बोल रही हूँ कि इनकेस हम उस लड़की को भी ढूंढ पाए तो हमारे चैनल के लिए भी अच्छा ही होगा, है ना? क्यों नहीं? उसके अलावा मैं भी तो एक लड़की हूँ। ये हुई ना बात। वैसे मेरा एक दोस्त इसी फ्लैट में रहता है। अच्छा चलो देखते हैं, कैमरा ले लो। अरे सुन। हाँ भाई। देखो गोबर गणेश वहाँ क्या कर रहा है, बुलाओ उसको। अरे सुन। हाँ भाई बुला रहा है। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। भाई क्यों बुलाया आपने? एक बात बता, तू वहाँ कर क्या रहा था? अरे उसके अंदर ना एक लड़का एक लड़की बैठकर कुछ कुछ कर रहे थे, तो मैं बस वही देख रहा था। भाई क्या है ना कि जो मारपीट हुई देखी तूने? मारपीट मैंने नहीं देखा, कसम से। दिखती भी कैसे, तू तो कुछ और देखना चाहता था वहां पर। मैं इस कार से बाहर निकला क्या? नहीं भाई, मैंने यहां से बैठकर वो मारपीट देखी थी। देखी होगी भाई। देखी मैंने? हाँ देखी। तू मेरे साथ रहता क्यों बता, मुझे फंसाने के लिए? भाई तेरे आने के बाद मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। बता तो क्यों आया था? उसको घेरने। किसे घेरने? तू कोई नाम वाम नहीं जानता, मैं यहां पर आया हूं तो इस काम को निपटा कर ही जाऊंगा। वो कौन से फ्लोर पर है? 8वें पे। अच्छा वो कब नीचे आएगा, तुझे बताया क्या? नहीं। नहीं बताया? नहीं। तो वेट क्यों करें? बस वेट कर रहे थे भाई। तो पर किस लिए? मैं तो इस काम में सब्र के साथ ध्यान लगाना भी जरूरी है। तो समझ में आया? समझ गया भाई। तो फिर इस तरफ क्या देख रहा है, सामने क्यों नहीं देखता?
है ना। कोई शरारत नहीं, यहाँ बैठो। मैडम आपके हस्बैंड घर पे हैं क्या? सुनिए जी, क्या बात है सर? ये आप ही का फ्लैट है ना? हाँ जी। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मैं, मेरी वाइफ और बच्ची रहती है। नीचे एक लड़की के गायब होने के बारे में सुना सर। हाँ वही पता कर रहे हैं हम। हाँ जी सर। रहे हैं हम उसे। अब ये बताइए क्या यहाँ पर किसी फ्लैट में बैचलर्स रहते हैं? हम यहाँ करीब करीब एक साल से रह रहे हैं सर, इसलिए उतनी जान पहचान है नहीं। क्या आपको यहाँ पे कोई अजीब सी आवाजें सुनाई दी? वैसे तो कुछ नहीं सुनाई दिया सर। देखिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बताइएगा, हम यहाँ नीचे ही हैं। जरूर सर। अब खुश हो तुम? तुम कब से इतनी सेल्फिश हो गई? बस ये जानना है मुझे। बैंगलोर में हमारी लाइफ कैसी थी? बढ़िया थी कि नहीं? वहाँ के लोगों को, कर्मचारियों को, सबको हेल्प करते थे। उस समय हमने सबको सपोर्ट किया, किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कुछ समय से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी आया क्या हमारी हेल्प करने? नहीं ना। हमारी जिंदगी को लेके थोड़ी सेल्फिश हूँ मैं अभी। अब आप इसमें जाके टोटली इन्वॉल्व हो जाओ, आज से सफर रुक ना जाए बस। देखिए कुछ शक हो तो हमें बताइएगा। जरूर सर। तुम तो कमाल हो, इन पुलिस वालों को इतना स्मार्टली हैंडल कर रही हो। बहुत साल हो गए ना ये करते हुए। सुंदर हो, लैंग्वेज भी सही है, इन पुलिस वालों को भी हैंडल कर रही हो। मैं तो बिल्कुल फ्लैट फ्लैट ही हो गया। दिखने में तो किसी अच्छे घर से आई लगती हो, अच्छी नौकरी करके समय से घर पहुंच के अच्छी लड़की बने रहती तो कोई अच्छा लड़का शादी कर लेता ना। कहना क्या चाहते हो? क्या कहूंगा, किसी के साथ भी सो के क्या लाइफ है ये? तुम कितने सालों से इस सलीम के साथ हो? करीब 5-6 साल हो गए। पहले मैंने सलीम भाई के शॉप में सेल्स गर्ल्स बनकर शुरुआत की। मुझे उस समय लगता था कि वो मुझे अपना मानते हैं। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अब वो इंजीनियर है, काम कर रहा है। मैं तो पढ़ाई में कमजोर थी ही, इसलिए मैं सलीम भाई के शॉप पे। अभी हम ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? तुमने जो बोला बिल्कुल सही है, मेरा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटी सी लड़ाई से शुरू हुई, फिर केस कोर्ट, वहां से बचने के लिए नेता लोगों के पीछे पड़े, फिर उन लोगों के लिए मारपीट। हमारी कहानी भी ऐसी है, फंस गए। तुमसे मिलने आएंगे, जो भी है सब कुछ सच बता देना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। सर अब इशू ये नहीं है कि किसने किडनैप किया, लेकिन किसको उठाया वही कंफ्यूजन है। बस उस लड़की के बारे में यही पता है कि उठाया है, ये बात सच है। राइट। वो तो बस एक नाम ही बता पाया है अब तक। उस लड़की का एक फोटो भी, मतलब मिसिंग लड़की का एक भी फोटो हमारे पास नहीं है। वो बोल रहा है बस उस लड़की का नाम टीना है। देखता बस हूं। यही प्रॉब्लम है। अब जगमोहन सर ने मुझे बोला है यहाँ पर आकर पता करने के लिए, इसलिए आया हूँ। उनका कहा टाल तो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अरे उसमें कोई इशू नहीं है सर, अच्छी बात है, आप बस अपना काम कर रहे हो, वो जरूरी है। एक लड़की किडनैप हुई है, हमारे घर में भी लड़कियाँ हैं सर। ठीक है, यहाँ का ध्यान रखो। ओके okay?
पुलिस टीम देख रहा है? हाँ। उसके अंदर कई गुंडे बैठे हुए हैं। मतलब भाई आपने बस एसटीम ही देखा है क्या? उस तरफ कॉन्टेसा ओमनी भर भर के गुंडे हैं, उसमें देखते ही डर लगता है। डर मतलब मुझे नहीं, बाकी लोगों को डर लगेगा। ऊपर से इतनी सारी पुलिस भी। अच्छा, पुलिस को भगाने के लिए आपके पास कोई आदमी नहीं है क्या? अरे भगाओ ना सबको, पुलिस वाला मामला सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, 10-15 मिनट में वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ। इशू वो नहीं है। तो इशू क्या? उसके नीचे आने के इंतजार में वो लोग वहाँ खड़े हुए हैं, काम होना ही चाहिए। ऐसा है तो पैसा आज नहीं तो कल शिफ्ट कर लें। अबे ये काम आज ही होना जरूरी है। वो लोग वहाँ से कॉल पे कॉल लगा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तुझे मैं क्या समझाऊं, अब हम क्या करें? अच्छा मेरे दिमाग में, एक काम कर तू लेके जा। अरे मैं क्यों, डर लगता है? नहीं नहीं डरने वाली बात नहीं, लेकिन तू टाइम वेस्ट मत कर। तू ऊपर जा, उससे बैंक की चाबी ले, रूम में जा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है? पावला से देखो, एक सिक्योरिटी ऑफिसर का अपने डेस्क पर नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चाय पीने या टॉयलेट के लिए वहां से गए होगे? सर पिछले 8 साल से मैं इस बिल्डिंग में काम करता हूँ, मेरे रजिस्टर में साइन किए बिना कोई आज तक अंदर नहीं गया सर। देखो कई लोगों ने लड़की को बाहर से अंदर लाते हुए देखा है, तुम बोल रहे हो अंदर किसी को नहीं देखा? अगर यही बोलते रहोगे तो पुलिस बार बार सवाल करती रहेगी, समझे? यहाँ पर सिक्योरिटी और सीसीटीवी का इंचार्ज कौन है, भेजो उसे। ये तो पंगा ही होता जा रहा है। सर एक 10 TB का हार्ड डिस्क है जो हम मैनुअली यूज करते हैं, और यहाँ सारे नेटवर्क में बहुत सारे कैमराज हैं, वो सब अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हैं सर। इस कॉरिडोर में कुछ ही कैमराज में रिकॉर्डिंग होती है, बाकी सब मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हैं सर। और पहली बार कोई रिकॉर्डेड फुटेज देखने के लिए पूछ रहा है, सच कहूँ तो क्या करना है ये देख के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखो मुझे सिर्फ थोड़ी देर की फुटेज चाहिए। सर उसी के बारे में बोलने वाला था, कुछ कैमराज तो ठीक से फंक्शन भी नहीं कर रहे सर, उन्हें तो बस शो ऑफ के लिए रखा है। वैसे सर आप तो जानते हैं ना कि मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इस वजह से रिकॉर्डिंग। फिर तो लॉरेंस, हम इस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, है ना? जी जी। हेलो, शॉप बंद कर रहे हैं। क्या हुआ सर? मैनेजर से बात हो चुका है, एक लड़की मिसिंग है। okay. उसका सर्च चल रहा है मैडम, प्लीज। ओके। बोलो, यही चीज अगर अमेरिका में हुई होती तो पुलिस ना हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के उस लड़की को अब तक आसानी से बचा लेती। यहाँ पता नहीं क्या। सच बोल रहे हो, हमें छोड़ देंगे ना? क्यों नहीं, न्यूज में भी आ गया होगा, अब तक तो वो लड़की बहुत बार कॉल कर चुकी होगी। है भाई, अब तो सब टूट भी गया तो कोई बड़ा इशू नहीं है, उस इंस्पेक्टर ने तो सब खत्म कर दिया। तुम दोनों चुप हो सकते हो, पुलिस की जीप में बैठे हैं हम लोग। सुनिए जरा अंदर आइए। क्या हुआ? बाद में पढ़ लेना, आओ। हेलो, सुन रहे हो? कहाँ मर गए बे? सनी कहाँ है? क्या है कि आज वो पैसे मैं लेकर जा रहा हूँ। क्या तू? हाँ, 1000 रुपए भी हाथ में नहीं है अकाउंट में डालने को, तो फिर डील कहाँ से होगी? आप मुझे चाबी दे दीजिए। अब नीचे पुलिस, आर्मी, गुंडा सब भरे पड़े, तो काम मुझ पे सौंप रहे हैं। पकड़े गए तो प्रॉब्लम सिर्फ मेरा है। बुढ़े के आइडिया कमाल के हैं, मुझे बस मारने के लिए बचा के रखा था क्या? ये सब उसके लिए मामूली बात है, तुम तो जानते ही हो। अब बोल दिया तो करना पड़ेगा ना। दीजिए, जिंदा बच गया तो फिर मिलेंगे। हाँ, सलीम भाई को कॉल कर दीजिए। हेलो, ग्राउंड में आना तो सुनाएगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। हाँ, एक पैक तो ले सकता हूँ। ये करने के बाद कॉल करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे फिर से कॉल करना, मैं यहीं पर हूँ।
अच्छा माल है यार। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, तुम ही अरुण हो? जी सर। तुम बहुत देर से यहीं बैठे हो? हाँ सर। वाह सर, वो एक्चुअली कम ऑन, वहाँ वो इंस्पेक्टर देख रहे हो? उसे 30 साल का एक्सपीरियंस है। उसने शायद तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया हो। तुम माइंड मत करना, वो काफी सारे क्रिमिनल्स के साथ डील करता है। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो सब कुछ जल्दी होगा। अरुण, मैंने जाके पता किया था, कई लोगों ने लड़की को अंदर ले जाते हुए देखा है। एक साथ इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। देखो, मुझे क्या लगता है कि लड़की अब तक अंदर ही है। वैसे मुझे पता चला है कि तुम लोग पार्किंग एरिया और शॉपिंग एरिया में काफी देर से घूम रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम क्यों आए, तुम्हें कोई डाउट है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा था? बोलो। सी सर, ये सेम सवालों के जवाब दे दे के मैं थक गया हूँ। सबको जानना है कि टीना कौन है, हमारे बीच में क्या रिलेशन है, हम कैसे एक दूसरे को जानते हैं, यही सबको जानना है। आप लोग कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं कर रहे। मतलब टीना की किडनैपिंग के इतनी देर बाद भी आपने कुछ भी नहीं किया, आप कर क्या रहे हैं? तुम्हारी कंप्लेंट के बिना भी हम ये केस सॉल्व करेंगे ही, ये एक मिसिंग केस है। तुम तो जानते हो ना, वो भी एक लड़की का। मेरे सवालों के जवाब तुम्हें देने ही होंगे, समझे? सर, टीना मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। ओके। तो हम जब से स्ट्रीट में आए तब से आई डोंट नो व्हाई सबकी नजर हमारे ऊपर थी। वी फेल्ट एज़ इफ पीपल आर फॉलोइंग अस। सर, आप लोगों की सोच को तो जानते ही हैं, तो इसलिए थोड़ी प्राइवेसी के लिए ही हम उस पार्किंग लॉट में गए थे। यही चीज अगर मैं उस SI को बोलता तो वो कुछ और सोचता। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? यही हुआ है सर, और कुछ भी नहीं हुआ। सर प्लीज मेरी हेल्प करिए इस केस में, सर प्लीज। ठीक है, ओके। बस बस, वहां बैठना बंद करो, यहाँ आओ, मैं कैंटीन के पास खड़ा हूँ। क्या हुआ? मैनेजमेंट से कॉल आया था, हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये भी? बस यहीं पे थोड़ा ऑब्जर्व करना है और फिर एक रिपोर्ट बना के दे देनी है। उनके हिसाब से तो जब तक वो लड़की मिलेगी उसका रेप या मर्डर हो चुका होगा। एक हफ्ते तक चलाने के लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल जाएगी। दीदी, एक चाय। सुनो, हमने आज का सारा काम पप्पू को दे दिया है। उसने बताया? दूसरे नहीं कर पाएंगे आज। वो क्या कर रहा है वहां पर? हॉल में बैठा है, ड्रिंक्स चल रहे हैं। तुम एक काम करो, 3-4 ड्रिंक्स दे दो। ठीक है। और जब पूरा टल्ली हो जाए तो बाहर भेज देना, उसके इंतजार में सब नीचे खड़े हैं, बाकी वो लोग देख लेंगे। आज का काम स्मूथली होने के लिए। हाँ जी, ठीक है, ये अच्छा रास्ता है। ठीक है बेटा। क्या हुआ सर, कुछ बोला क्या? बोलेगा क्या, ये तो हमें ही कहानी सुना रहा है। मैं तो उसमें पूरा डूब चुका हूँ। मैं कॉल करके रिपोर्ट करने वाला हूँ। सर, यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। वी नीड टू फ्रीज एटलीस्ट 1 किलोमीटर एरिया। ओके सर, मुझे लगता है सर हमें हर फ्लैट और शॉप को सर्च करना चाहिए। हमें सबसे सवाल पूछने होंगे, अगर हमें इसका परमिशन मिल जाएगा तो ये लोकल पुलिस हैंडल कर सकती है। यस सर, इट्स पॉसिबल। या राइट सर, थैंक यू। आप लोग अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखिए। जरूर। किडनैपर को ढूंढ लेना, मैं चलता हूं। हाँ सर।
तुम सलीम की बहुत वफादार हो ना, उसका साथ देना हर वक्त। देर से हुई दोस्ती की वजह से बोल रहा हूं, तुम सलीम के पैसे के लिए रुकी हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये जो शॉप्स बिल्डिंग सब आज ये देख रही हो ना, उसने और उसके दोस्तों ने लोगों को मार के चुरा के और ना जाने कौन से धंधे करके ये सब बनाए। और फिर तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, मैं आज यहां ऐसी ही एक डील करने आया था, लेकिन उसमें कुछ रुकावट आ गई। वो सलीम को नहीं छोड़ेंगे, तब तो सलीम साथ में तुम भी। पहुंचे मैक्सिमम 3 मिनट्स, चाहिए तो तुम नीचे स्ट्रीट में देख लो, तुम्हें और सलीम को पता चलेगा मैं कौन हूं। चीजों हो गया काम? अबे एक गाड़ी नहीं, एक कॉन्टेसा और एक ओमनी भी है। मैं तुझे क्या बोल रहा था, स्ट्रीट की दोनों तरफ से। अबे फोन रख। स्पॉट में ही हूँ। ओवर। ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है, अगर कोई इशू हुआ तो सारा इल्जाम पुलिस पर होगा। मैं सबको लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान रखना। अरे उठाओ उठाओ उसको, उठाओ। सारे गुंडे ही लग रहे हैं मुझे, लड़की वाले केस से कोई संबंध है इसका? कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग केस है। लड़की वाले केस में तो सीनियर लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं हमें यहाँ से भगाने के लिए। हम कैसे जाएं यार, एक लड़की गायब हो गई है। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल जाके। तुम ये गाड़ी चला लोगे? क्यों नहीं सर। तो हमारे ड्राइवर को वहाँ जाके एक बार पता करके बोलो। सर।
यहाँ से तो सब गायब हो गए। तुम बाहर मत निकलना, यहीं बैठो, मैं देखता हूँ। लगता है वो लोग चले गए। सबको मार से बचने के लिए बोल दो, उससे मार के ही हम यहाँ से जाएंगे। बहुत बड़ी सुपारी ली हमने। देखो पप्पू, मेरे ऊपर भरोसा करके वो मुझे इतनी बड़ी बड़ी डील्स देते हैं, और वही भरोसा मुझे तुम पर भी है। अरे सलीम भाई, हमने डील्स करना कल से थोड़ी शुरू किया है, चिंता मत करो। देखो अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा। सलीम भाई, आपके साथ अभी कौन है? अरे भाई भाई, आपको कुछ नहीं होगा, ये डील हम करके रहेंगे। देखो अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। खाओ। चाहिए? क्या है ये? इसने पी रखी है। सुनो, सलीम को फोन करके बोल दो मैं उसके फ्लैट में नहीं हूं। नीचे का प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं यहीं रहूंगा, तुम जा सकती हो। वालों का यहाँ होकर भी क्या फायदा? अरे यहाँ के सारे पुलिस वाले अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं सर, कितना टाइम हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले निकम्मों की तरह खड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कब से यही है, हमें सब दिखता है, पागल मत बनाओ। अरे हाँ हाँ, हम तो यही रह के काम करते हैं। अपना काम कीजिए। तक तो दो तीन राउंड तो हो गया होगा। क्या क्या बक रहे हो? कुछ भी बोलोगे क्या? अरे अरे रुकिए रुकिए सर रुकिए। अरे अरे जाने दो ना, तू उधर जा। सर आइए सर, सर इधर आइए। क्यों नहीं बात करूं? ऐसी किसी से बात नहीं करने की वजह से यहाँ इतनी गंदगी फैली है। एक लड़की को मिसिंग हुए इतना समय हो गया, इतने लोग होते हुए भी एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए, इतना देर हो गया, कोई कुछ कर पाया क्या? ये सही है सर, हम 20 ऑटो ड्राइवर्स यहीं पर हैं। यहाँ इतनी पुलिस और यहाँ इतने पड़ोस के लोग होने के बाद भी उस वक्त हम 2-3 लोग ही थे। तब से लेकर के अब तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है सर। यहाँ पर आप कौन है सर? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा, बहुत देर से सब नाटक देख रहा हूँ यहाँ जो हो रहा है। मतलब इस फ्लैट के ऊपर से आप ये सब देख रहे थे और उसके बाद भी आप इन लोगों से पंगा ले रहे हैं? अरे आपस में लड़ाई करके क्या फायदा है? अरे हम क्या कर सकते वो सोचो। सर एक लड़की का मामला है, यहाँ बात करने से क्या फायदा, हमें कुछ करना होगा। अब तक उसको ढूंढ लेते, पुलिस वालों से पूछा तो उनको पता ही नहीं कि लड़की अंदर है। आप बताइए सर, हम कैसे अंदर जाएंगे? सर ये लड़की किडनैप होते ही मैं अंदर की तरफ भागा, उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर कर दिया। पुलिस वालों के पास गए तो वो बोल रहे हैं कि मुझे अंदर कर देंगे। पुलिस ने क्या किया ये मत ही पूछिए, रास्ते से 3 लड़कों को उठा के जीप में बिठा दिया, बस यही किया इन्होंने। पुलिस को प्रोटोकॉल कानून सब देखना पड़ेगा, हमें वो सब नहीं देखना है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे कहाँ जा रहे हो? चल अरे उतरना यार, चलते चल। सर ये देखो जा रहे, तुम इधर आओ। लेकिन अगर हम अंदर गए ना, कोई इशू तो नहीं होगा ना? पिछले 2 घंटे से हम अंदर बैठे हैं, उन दोनों के फोटो के। तू चुप ही रह, ये सब उस फोटो की वजह से हो रहा है। समझा? हाँ मैंने फोटो लिया, लेकिन बस उतना ही किया, बस लड़की को उठाने के लिए बोला था, ऐसी हरकत हम नहीं करते।
बात तो सुनो इसकी। ए, तू चुप रे। सर हम ऐसा काम नहीं करते। हाँ उसके साथ लड़ाई हुई थी लेकिन उसका मुंह देखकर बुरा लग रहा है। इतनी देर से जीप से उसे देख रहा हूँ। आपने तो बोला था अंदर जाके चेक करो। मैंने बोला था उस टाइम। आपने देखा है। भाई सही कह रहे हैं। कोई और आ सकता है क्या? सर आपको कितने लोग चाहिए? आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना? आप श्योर हो कि वो लड़की इसी बिल्डिंग में है? बिल्कुल है? तो ठीक है जैसा मैं कहूंगा आप मेरे साथ वैसा करेंगे। भाइयों तुम्हारी मदद भी चाहिएगी, मेरी हेल्प करोगे ना? बोलो भाइयों बोलो। मेरे साथ मेरे साथी भी हैं। ए सुबेर आ जाओ सब। आओ यार सुनो चलो चलो। अबे तू क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रहा है तू? हम उसको ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढने? चल इधर। ए सुबेर रोक सबको। चलो देखना सर हम 10 मिनट में ये काम निपटा लेंगे। लड़की को भी ले आएंगे और उसे उठाने वालों को भी पकड़ लेंगे। देख लेना आप। चलो 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 सुबेर देख लेते अब ये क्या करने वाले हैं। हमें रोकने की कोशिश मत करना। सर ये गलत हो रहा है, ये कानून के खिलाफ है। अरे करने दो ना, तभी तो हम इन पर केस डाल सकते हैं। कहाँ जा रहे हो सब लोग? जाने दो। जाने दो। जाने दो। उस तरफ वहां जाइए। तुझे पता भी है ये लोग कहाँ घुसे जा रहे हैं? भैया उस लड़की को ढूंढना है ना, इसलिए तो घुसे अंदर। आपने बोला तभी तो सब गए। नहीं जाना है क्या? लड़की तेरी क्या लगती है? कोई नहीं है। लड़की को वो ढूंढ लेगा, तू जाकर उसको ढूंढ। किसको? ओ उसको पकड़ने का प्लान था ना ये? भाई मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। कुछ लोग ऊपर जाओ। तुम इधर आओ। बाकी लोग चले जाओ। ऊपर जाओ ऊपर। अरे हम क्या कर सकते हैं? सर सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप ये रहिए, रुक जाइए। सर हालत ऐसी है तो हम ज्यादा फोर्स बुला लें क्या? क्यों, हमें यहाँ से हटाने के लिए बहुत बार बुलावा आ चुका है, उसके बीच और फोर्स भी। ओ ऐसा है क्या? यहाँ हम ही लोग फंस गए हैं। पब्लिक ये बोल रही है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब पब्लिक हमारे खिलाफ हो गई है और ऊपर से प्रेशर है यहाँ से जाने के लिए। सर ये आज से निकल जाएंगे सर। जो लोग अंदर गए वो यहाँ के लोग नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में टूल्स भी हैं। टूल्स क्या? हाँ सर तलवार और डंडे भी सब हैं। हैं? जल्दी जाके देखो बे। अबे तू वहाँ क्या देख रहा है बेवकूफ? इस तरफ देखो बे, जाओ। अबे तू भी एक थप्पड़ पड़ेगा। जाओ चलो। नीचे जाइए, मैं सिक्योरिटी को की दे दूंगी। क्यों इतने गैर जिम्मेदार हो गए हो? यहाँ इतनी सुविधा है, सीसीटीवी है ना, कैमरा है ना, उसको देख कर तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला? सर कहा ना वो लड़की फ्लैट में नहीं है। फालतू में सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम अंदर क्यों विश्वास करें? इतनी देर से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, हो सकता कहीं और लेकर गए। सर 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 वो लड़की नहीं मिली हमें। बोला था ना। पर ऐसा हो नहीं सकता है सर। सब जगह देख लिया, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, समझे तुम? सर ये पूरा इलाका गुंडों से भरा पड़ा है सर। ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है सर। तो लड़की कहाँ है? सर आप ढूंढने नहीं दे रहे हो, लड़की अंदर ही होगी कहीं। सर एक बार अंदर देखने तो दो। सुनो मैं थोड़ा नीचे होकर आता हूँ। ठीक है सर। देखा सब अपना अपना काम देख के जा रहे हैं। यहाँ पूरा ढूंढ लिया भाई, यहाँ कोई नहीं है। तूने सब जगह देखा? देखा अब तो वो उड़ के ही जा सकती है। आपने देखा? ये जगह है बहुत अजीब। हाँ यहाँ से निकलने के सही है भाई, सही है भाई। वो कहीं निकलना भागा हो। पर कैसे भाई? क्या हुआ भाई? एक काम कर। हाँ भाई। सबको जल्दी से यहाँ पर लेकर आ। क्यों भाई? एक बात का ध्यान रख, पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं जाना है। पुलिस अंदर आ गई क्या? अबे गधे, पुलिस ने जीप में दो को पहले बिठा रखा है, समझा? वो लोग जरूर पुलिस के सामने जाने वाले हैं भाई। अबे रोक उनको। चल तू जा निकल।
अबे जाना। ए, ए, चलो ना। देखो बहन, वो हमें मिला नहीं, बच गया वो। अब ऐसे मत देखो बहन, वो नीचे एक लफड़ा हो गया है, पुलिस और मीडिया दोनों नीचे हैं। आपको पता नहीं कितनी मुश्किल से हम लोग यहां पर आ पाए हैं, बीच में कई लोगों ने हमारे लोगों को मारा भी। आप ऐसा नहीं समझना कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं। हमने उसे इस बिल्डिंग में बहुत ढूंढा, अगर हाथ में आ जाता तो मैं उसे खत्म कर देता। सॉरी, प्लान चौपट हो गया, आपने पहली बार काम दिया और हम वही नहीं कर पाए, बहुत बुरा लग रहा है हमें। पर आप सेवा का अवसर देंगी ना? ठीक है, मैं क्षमा कर देना, जाता हूं। आपने दिल से क्षमा कर दिया है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब जाता हूं। साला इसके चक्कर में कई दिन से सोया भी नहीं, अब जाकर सोऊंगा। यही खड़े रहना, मैं पुलिस को बता के आता हूँ। भैया हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ चलो। पार्किंग में। हाँ सुनो, स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। चलिए ठीक है, चलिए उधर। लेडी पुलिस को भेजने के लिए बोलो। लड़की को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको मैं हॉस्पिटल छोड़ता हूँ, उसके बाद कॉल करता हूँ, ठीक है ना? जल्दी हॉस्पिटल चलो। अरे अनूप, वो लड़की मिल गई है। हाँ, मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम लेडी पुलिस के साथ हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। जो भी तुमने किया आज बहुत महान काम था, इस जमाने में कोई दूसरे के लिए ये सब काम नहीं करता है। दूसरों के लिए बहुत कुछ किया सर मैंने, कुछ वापस मिलेगा सोच के नहीं बैठता, नहीं कुछ मिला भी नहीं। लेकिन ये तो हमने बस अपने लिए किया सर। क्या? हाँ मतलब? हाँ सर, मैं अरुण और टीना, हम लोग बेंगलोर में एक साथ थे, मेरी कंपनी में। कंपनी बंद होते वक्त ये लोग मेरे ही साथ में थे। सर आप जानते हैं 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने वाला है आज उस बिल्डिंग में, देने वाला और लेने वाला दोनों वही हैं, उसमें से थोड़ा पैसा हमने ले लिया, यही सब हुआ था वहां।
सब ठीक है। बढ़िया, लेकिन तुमने मेरी सुपारी क्यों निकाली? हम लोग पहली बार ही तो मिल रहे हैं। अगर हमारा ये प्लान वर्कआउट नहीं करता, ये पैसा किसके पास होता? तुम इसको कभी भी बाहर लेकर नहीं जाते। वो लोग पैसे के साथ निकल चुके हैं, तुमने उनकी मदद की, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मैंने पहले भी बोला था ना, मेरा एक ही भाई है, वो उस गाड़ी में है, अरुण। मोहन, तुमने तो हम पुलिस वालों को और वहां के लोगों को धोखा दिया है। बढ़िया, तुम तो कमाल हो। वो चुराया हुआ पैसा इसी गाड़ी में है। तुम चोर और मैं पुलिस, तुम कहां जा रहे हो? गाड़ी रोक बे। सर, ये सब अनअकाउंटेड पैसा है सर। हाँ तो क्या हुआ, फिर भी तुम लोग चोरी हुए ना? सर, हम लोग चोर नहीं है, सीधा चलने की बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। आंखों के सामने सब कुछ चुरा के धंधा करके करोड़ों बनाने वाले खुशी से जी रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी वजह से हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। और उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे ढूंढने ना कोई स्टेशन आएगा, ना ही कंप्लेंट लिखवाएगा। सर, आपने हमें पकड़ भी लिया तो असली चोर तो बाहर ही हैं। उनके पास बाहर निकलने और निकालने के लिए हजार रास्ते हैं, है ना सर? अब तो सर, अब तो आप ही डिसाइड कर लीजिए सर। कोई यहां से नहीं जाएगा, समझा? तू लीला, मैं अभी पहुंचता हूं, खाना तैयार है ना? क्या कहा? अब चटनी बनाने हर रोज बोलू क्या? पता है ना, है? हाँ, सबको अपना काम देखना पड़ेगा, बस मैं ही सबका काम कर रहा हूं। हो गया काम, खत्म हो गया, मैं आ रहा हूं, तुरंत पहुंचता हूं। गाड़ी निकाल रहा हूं, बच्चे सो गए, पढ़ाई किया है ना उन्होंने, पढ़ के भी क्या उखाड़ लेंगे। तुम मत सोना प्लीज।